हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इंडिया ड्यूरिंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास का पहला चैप्टर जो कि आपके स्पेक्ट्रम बुक में दिया हुआ है, जहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना है, वो है यूरोपियों के आगमन के दौरान भारत, कि यूरोपी कब भारत में आए, उनके क्या क्या गतिविधियाँ हुई और क्या क्या डेवलपमेंट्स इंडिया में हुए हैं। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हमें आधुनिक इतिहास पढ़ना है तो हमें कौन सी बुक से पढ़ना पड़ेगा, तो हमें स्पेक्ट्रम की बुक से पढ़ना रहता है। स्पेक्ट्रम की बुक जो कि हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, उसका जहाँ से हमें स्टार्ट करना रहता है, जो टॉपिक जहाँ से हमें पढ़ना स्टार्ट करना रहता है, तो वो होता है यूरोपियों के आगमन के दौरान भारत। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या क्या कारण जिम्मेदार हुए कि यूरोपी भारत में क्यों आए। तो यूरोपियों के भारत में आने का मुख्य कारण रहा है जहाज निर्माण और नौवाहन। जहाज निर्माण और नौवाहन, एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। जहाज निर्माण और नौवाहन की कला में यूरोपीय लोगों की उन्नति, ये प्रथम कारण रहा है। फिर उसके बाद बात आती है कि यूरोपीय लोगों का आर्थिक विकास भी उस समय काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था यूरोपियंस का। तो ये भी एक कारण रहा कि यूरोपीय भारत में आए। और भारतीय वस्तु की मांग, भारतीय वस्तु की मांग जैसे कि मसाले हो गया, मसाले, रेशम, विभिन्न कीमती पत्थर जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि, इस तरीके से जो भारतीय वस्तुओं की जो मांग थी तो यूरोपीय बाजार में बहुत अधिक हुई और ये कारण बना यूरोपियों के आगमन का भारत में। और भारत की अपार संपदा, तो ये भी एक प्रमुख कारण बना कि क्यों ये यूरोपी भारत में आए और क्यों इन्होंने अपना व्यापार ट्रेडिंग यहाँ से स्टार्ट किया और किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती गई हैं अलग अलग, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमने अपने स्कूल टाइम्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि क्या क्या मुख्य मुख्य कारण हैं। तो हमने पहले क्या देखा कि जहाज निर्माण और नौवाहन की कला में यूरोपीय लोगों की उन्नति, दूसरा क्या है यूरोपियों की आर्थिक, यूरोपीय लोगों का आर्थिक विकास, तीसरा है कि मसाले, रेशम, विभिन्न कीमती पत्थर, चीनी मिट्टी के बर्तन आदि जैसे भारतीय वस्तुओं की मांग और भारत की अपार संपदा। एडवांसमेंट ऑफ यूरोपियंस इन आर्ट ऑफ शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूरोपियंस, देन डिमांड फॉर लग्जरीज इंडियन कमोडिटीज, क्या क्या है जैसे कि स्पाइसेस, सिल्क, वेरियस प्रीशियस स्टोन्स, पोर्सिलेनियन एक्सेट्रा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत की अपार संपदा। ये कुछ प्रमुख कारण बने, प्रमुख कारक जिम्मेदार हुए यूरोपीय लोगों के भारत आगमन के। फिर उसके बाद यदि हम एक कालक्रम देखें, यदि हम क्रोनोलॉजी देखें कि यूरोपियों के भारत एशिया में विजय की, यदि हम देखें कि एशिया की यूरोपीय विजय का कालक्रम यदि हम देखें, क्रोनोलॉजी ऑफ यूरोपियंस कॉन्क्वेस्ट ऑफ एशिया यदि हम देखें, जो हमें मुख्य रूप से पढ़ने रहते हैं अपने एग्जाम के लिए, तो वो है पुर्तगाली जो कि 1498, इंग्लिश जो है 1600, डच जो है 1602, फ्रेंच जो है 1664। पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, फ्रेंच 1664। अब बात आती है ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की और स्थापना वर्ष का, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की और स्थापना वर्ष। तो यदि हम देखें तो ये क्या क्रम है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी कि निर्माण, यदि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उसका निर्माण कब हुआ, तो 1498 में हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम बोल सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उसका जो स्थापना वर्ष है वो 1600 है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यदि हम स्थापना वर्ष की बात करें तो वो है 1602, और यदि हम फ्रेंच, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो वो कितना है, तो वो है 1664। ये तो हो गई स्थापना का वर्ष, ठीक है, लेकिन बात आती है, स्थापना तो हो गई लेकिन ये भारत में आए कब कब, क्योंकि पूछा जाता है ये तो स्थापना वर्ष थी लेकिन पहले कौन आया, बाद में कौन आया और उसके बाद में क्या क्रम रहा है आने का। ये तो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी तो स्थापित हो गई लेकिन आने का
क्रम क्या है, एशिया में भारत में किस क्रम में वो आए हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। सबसे पहले कौन आए हैं? पुर्तगाली आए हैं कब? 1498 को आए हैं। फिर उसके बाद डच लोग आए हैं। कौन आया है? डच आए हैं। डच कब? तो 1602 में। ठीक, फिर उसके बाद में इंडिया में क्या हुआ है? तो अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश लोग क्या है, 1608 में इनका जो है, मैं आगे ये सबको एक्सप्लेन करूंगी आपको कि क्या 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 गतिविधियां रही। फिर डेनिश आए हैं। डेनिश कब आए हैं? तो 1616 में। उसके बाद फ्रेंच आए हैं। फ्रांसीसी कब आए हैं? तो 1664 में। ये भारत में इनके आगमन का क्रम रहा है। ठीक है, भारत आने वाले ये विभिन्न यूरोपीय शक्ति हैं, भारत आने वाले विभिन्न यूरोपीय शक्ति। ठीक है, और इसी क्रम में यदि हम बात करें तो फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। किसकी? तो स्वीडिश, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, है ना, तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना हुई थी। और उसका स्थापना वर्ष क्या था? तो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष था तो 1731। कितना था? 1731। ये आप लोग ध्यान दीजिए, ये भारत में आगमन का क्रम है और ये है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना का वर्ष। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी? तो सबसे पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद ये कौन सी है? तो इंग्लिश, और ये है डच, और ये है फ्रांसीसी, और ये है स्वीडिश। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग आप लोगों को डिफरेंस को समझना है कि यहाँ पे आपको बताया क्या गया है। ठीक है, कि बताया क्या गया है यहाँ पे, तो ये अंतर को आप लोगों को समझना है। डेनिश का, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, डेनिश का 1616, डेनिश का क्या है? तो 1616 है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बताया जा रहा है इसी क्रम में। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले पुर्तगालियों की यदि हम बात करें तो पुर्तगाली में जो है क्या है, तो सबसे पहले क्यों ये आ पाए भारत में, पुर्तगाली कैसे आ पाए, तो क्या हुआ था? टॉर्डेसिलस की संधि हुई थी। टॉर्डेसिलस की संधि कब हुई थी? 1494 में हुई थी। ये किसके किसके बीच में ये संधि हुई थी? तो पुर्तगाल और स्पेन के बीच की ये संधि थी। और निर्णय क्या लिया गया कि हम ऐसा करते हैं, हम गैर ईसाई दुनिया को बांट देते हैं। गैर ईसाई दुनिया को हम दो भाग में बांटते हैं। और बांटेंगे हम कैसे? तो एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से बांटेंगे। और वो काल्पनिक रेखा हम कहाँ खींचेंगे? तो अटलांटिक सागर में हम खींच देंगे यह काल्पनिक रेखा। और जो पूर्व का जो हिस्सा होगा वो पुर्तगाल ले लेगा। पूर्व का हिस्सा पुर्तगाल ले लिया, और जो पश्चिम का हिस्सा होगा तो वो स्पेन ले लेगा। इन्होंने ये निर्णय लिया इस संधि के माध्यम से। ये संधि क्या थी? तो 1494 में हुई थी। तो बिल्कुल ये फैसला हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस 1494 बिटवीन द पोर्चुगल एंड द स्पेन डिवाइडेड नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बाय एन इमेजिनरी लाइन इन द अटलांटिक, ईस्ट फॉर पोर्चुगल एंड द वेस्ट फॉर स्पेन। यही बात यदि हम मैप के माध्यम से समझें तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे यदि आप बात कर यदि हम देखें कि यदि हम थोड़ा जूम करके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा ये यहाँ पे आप लोगों को शायद दिख रहा हो, है ना, ये यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये है पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट, ये जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है तो ये है पुर्तगाल। उसके बगल में क्या है? तो स्पेन। जहाँ पे हाईलाइट हो रहा है वहाँ पे मैं बोल रही हूँ, है ना, उसके बगल में है स्पेन। ये क्या है? अटलांटिक ओशियन है। ये क्या है? अटलांटिक ओशियन। अब क्या निर्णय लिया गया कि स्पेन को, पुर्तगाल को क्या दे दिया जाए? तो अटलांटिक का पूर्व का हिस्सा दे दिया जाए। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्व का हिस्सा। अटलांटिक का ये कौन सा है? पश्चिम का हिस्सा। तो पश्चिम का हिस्सा किसको दे दें? दे देंगे स्पेन को दे देंगे। तो ये संधि हुई थी किसके किसके बीच में? पुर्तगाल और स्पेन के बीच में। ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो लिखते भी बनेगा यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। ठीक है, ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है, और ये अटलांटिक का ये जो है ये पूरा ओशियन है। तो ये निर्णय लिया गया। बिल्कुल, अब निर्णय तो ले लिया गया, इसका मतलब अब पुर्तगाल कहाँ आ रहे हैं? अब पूर्व की ओर आ रहे हैं, अटलांटिक के पूर्व की ओर आ रहे हैं। अब वो आए, अब जब वो आए हैं तो हुआ क्या? तो ये वाला एरिया जो था, ये आप देखिए मैं एक बार पहले आपको जूम करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं वहाँ पे लिख करके दिखाऊंगी, है ना। ये है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अपने बस मोबाइल स्क्रीन में देखिए, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये है टर्की, ये है सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया,
ये पूरा एरिया, ये आप ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया था उस समय, ठीक है, उस समय यानी कि हम बोल सकते हैं कि 15वीं शताब्दी की यदि हम बात करें, 15वीं शताब्दी की, तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है ऑटोमन अम्पायर के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था? ये जहाँ पे मैं बार बार हाईलाइटर को जहाँ पे मैं घुमा रही हूँ, ये वाले एरिया को मैं हाईलाइट करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं इसको ड्रॉ करके भी आपको, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाए, इसलिए मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ, है ना। तो ये वाला एरिया किसके अंतर्गत आता था? तो ऑटोमन अम्पायर के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो ये वाला एरिया है जो अफ्रीका का, ये जो एरिया है, ये क्या था? ये था कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ये पूरा एरिया था, ये रोमन एम्पायर के अंतर्गत आता था, ये पूरा एरिया है, ठीक है, उस समय का। जैसे कि यदि आपने आप जानते होंगे तो ये वाला जो एम्पायर्स में बढ़ते थे, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। अब मैं इसको छोटा करके आपको दिखाऊंगी तो आपको सब सब ये वाला एरिया, अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि ये जो पूरा एरिया है, ये जो था, ये जो है अरब, ऑटोमन अम्पायर यानी कि अरब देशों के अधीन था, अरब ने यहाँ पे कब्जा अपना किया हुआ था। और ये वाला एरिया कॉन्स्टेंटिनोपल का था, और इसको भी इन्होंने अधिग्रहित कर लिया था, यानी कि उसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एरिया अरब के अंतर्गत आ गया था। अब पुर्तगालियों को आना था, पुर्तगालियों को बोल दिया गया कि अटलांटिक के पूर्व में चले जाइए। अब पूर्व में चले जाए तो उस समय पुर्तगाल स्पेन, ये लोग, ये देशों की अरब देशों से नहीं बनती थी, अरब देशों से नहीं बनती थी। अब जब नहीं बनती थी तो ये बोला गया कि अब हमें जाना तो है, यहाँ से जाएंगे तो ये तो जाने देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा इन्होंने क्या किया, इसको भी अपने कब्जे में कर लिया, ये तो है इनके कब्जे में, ये एरिया तो है ही, तो हम ऐसा करते कि यहाँ से निकल जाते तो नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि उस समय अरब देश ने, ऑटोमन अम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को भी कब्जे में कर लिया था अपने। तो तब ये लोगों ने क्या फैसला किया, जाना तो है, तो इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया, वो यहाँ से आने लगे, यहाँ से आए, ये वाले एरिया से आए। यहाँ पे क्या पड़ता है, तो यहाँ पे पड़ता है केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ से चलने लगे, ये आते, ये वाले एरिया से आ करके ये यहाँ पे इंडिया में एंटर कर गए, यहाँ से एंटर किए, ठीक है, समझ में आ रहा है। आने के लिए तो यहाँ से भी आ जाते, लेकिन उस समय नहीं, क्यों, उनकी बन नहीं रही थी अरब से, और उनसे लड़ाई करने की अपेक्षा इन्होंने समझा कि हम भले ही लंबे रास्ते से चले जाएंगे, हम ढूंढ लेंगे इंडिया को हम ढूंढ लेंगे। अब इन्होंने ढूंढ लिया, तो ये वही वाला ये रास्ता है जो मैंने आपको बताया कि चाहते तो वही यहाँ से भी आ जाते, लेकिन उस समय ऑटोमन अम्पायर कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो एरिया देख रहे हैं कॉन्स्टेंटिनोपल को, ऑटोमन अम्पायर ने अधिग्रहित कर लिया था, कैप्चर कर रखा था इस एरिया को। अब कैप्चर कर लिए तो कैसे आएंगे, उनकी तो बन नहीं रही है, अरब देशों ने क्या किया है, कैप्चर कर लिया। और उस समय ये बहुत विशाल, ये अरब देश बहुत शक्तिशाली था, ऑटोमन अम्पायर उस समय बहुत फैला हुआ था, तो इतना लड़ने के बजाय वो ये वाले रास्ते को अपनाए, तो आकर के केप ऑफ गुड होप के मार्ग से वो कहाँ आए, इंडिया में आए, इंडिया में ये यहाँ पे ये आ गए, कहाँ आ गए, तो कैलिकट में आ गए, कहाँ आ गए, कैलिकट में आ गए। बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग, एक बार मैं फिर इसको यहाँ पे डिलीट करती हूँ और आपको मैं अच्छे से इरेज करके फिर मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये आ गए, ये लोग कहाँ आ गए हैं, कैलिकट में आ गए हैं। अब कैलिकट आप देख रहे हैं, कैलिकट उसके नीचे क्या है, कैलिकट हो गया, कन्नूर हो गया, कोचिन हो गया, और क्या है ये, गोवा हो गया। ये जहाँ जहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ बहुत ध्यान से देखिए, कन्नूर हो गया, कैलिकट हो गया, कोचिन हो गया, गोवा होगा और दीव हो गया। ये मेन प्लेस हो गए किसके, तो पुर्तगालियों के। ये पुर्तगाली यानी कि पश्चिम छोर में थे, भारत के पश्चिमी तट पर थे, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, सबसे पहले आया कौन, और जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने समुद्री मार्ग अपनाया था, और समुद्री मार्ग भी कैसा वाला, तो लंबा वाला रास्ता। कारण क्या था, ये क्यों भारत में आने के लिए ज़मीन से क्यों नहीं आ गए, ये क्यों समुद्री मार्ग से आए, तो उसका क्या कारण था, और पहली बात ये समुद्र से क्यों आ रहे थे। तो उस समय पुनर्जागरण का युग था, कहाँ पे, तो यूरोप में पुनर्जागरण का युग था। तो ये एक कारण बना, स्पिरिट ऑफ रेनेसा एक कारण बना, कब, 15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का युग चल रहा था, तो वो एक कारण बना, इन्होंने समुद्री मार्ग अपनाया। दूसरा कारण क्या था कि यूरोप की इकोनॉमी बहुत तेजी से वृद्धि कर रही थी, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमी ग्रोइंग रैपिडली लीडिंग टू प्रॉस्पैरिटी एंड डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मीट रिक्वायरिंग स्पाइसेस फॉर प्रिजर्वेशन। भारत मसालों में बहुत ज़्यादा, बहुत समृद्ध था भारत,
अब बात आती है कि भारत समृद्ध तो है, अब यूरोप की इकोनॉमी भी बहुत तेजी से, अर्थव्यवस्था बहुत, यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही थी। तो कारण क्या हुआ, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों की मांग, अब जब बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो हम आए दिन शॉपिंग में जा रहे हैं, ये खरीदना है वो खरीदना है, ये चाहिए वो चाहिए, जब पैसे नहीं तो कोई कुछ चीज़ नहीं चाहिए। अब जब पैसे ही पैसे हैं तो ये भी कमी है वो भी कमी है, बिल्कुल इनके साथ भी वही स्थिति होगी। अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी हुई, समृद्धि विलासिता बहुत हुई, तो सामानों की मांग भी बढ़ रही थी उसके अंतर्गत। अब समृद्धि हुई तो सामानों की मांग बढ़ने लग गई। अब सामानों की मांग, जैसे कि अब मांसों को संरक्षण करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो बिल्कुल मसालों की आवश्यकता पड़ने लगे। तो इन्होंने भारत का रुख किया कि हमें जाना चाहिए इस तरफ, यदि हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व तरफ में मसाले ही मसाले हैं, ऐसा इन्होंने सुन रखा था, पूर्व की तरफ हमें मसाले मिल जाएंगे, बिल्कुल हम जो चाहते वो हमको मिल जाएगा, संरक्षण हो जाएगा हमारा ये जो मांस जो भी हम खाते हैं। ये एक कारण बना इनके पूर्व की ओर आने का, समुद्र की तरफ इनको ढूंढने का, कि हम कोई लैंड एरिया को ढूंढ लें, ठीक है, पुर्तगाल ने। फिर उसके बाद में 1453 में, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया गया, किसके द्वारा, तो अरबों और तुर्कों के द्वारा कब्जा कर लिया गया, और उनसे निपटने के बिना इन्होंने क्या, भारत में पहुंचने का एक नया मार्ग ढूंढ लिया, कि इन लोगों से लड़ने के बजाय हम एक नया रास्ता ही ढूंढ लेते हैं, ठीक, क्यों, क्योंकि अरब देशों ने, अरब ने, तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 एंड सीरिया एंड इजिप्ट लेटर बाय द ऑटोमन टर्क्स कॉलिंग फॉर अ न्यू रूट टू रीच इंडिया विदाउट डीलिंग विद अरब्स एंड टर्क्स। उनसे लड़ने की बजाय इन्होंने सोचा कि हमें ये रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल, जैसे कि कॉन्स्टेंटिनोपल पर, सीरिया पर, इजिप्ट पर, जो एरिया मैंने पूरा ड्रॉ करके बताया उस पर सब इन्होंने कब्जा कर लिया था। और ये जो वेनिस और जेनोवा था बहुत छोटा था कि टर्क्स के सामने खड़े हो पाते। अब ये वेनिस जेनोवा को भी मैं एक बार आपको दिखा दूँ मैप के थ्रू, जिससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाए कि वेनिस जेनोवा है क्या, और जहाँ पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा था तुर्कियों के सामने खड़े होने के लिए। तो एक बार और फिर मैं आपको यहाँ पे जूम करूँगी, और जूम करके यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा, ठीक है, ये एरिया जहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी ना, वहां पे ध्यान देना आप लोग। ये इटली देख रहे हैं आप लोग, इटली, ये इटली के पास में यहीं पे क्या है, वेनिस और जेनोवा है। क्या है, वेनिस जेनोवा, बहुत छोटे छोटे देश, बहुत छोटे छोटे हैं, है ना। अब ये इतनी शक्तिशाली तो है नहीं कि ये तुर्कियों के सामने खड़े हो पाए। अब मैंने क्या बताया, ऑटोमन एम्पायर वहाँ बहुत, यानी कि तुर्कियों की शक्ति बहुत, अरबों की, तुर्कों की शक्ति बहुत ज़्यादा, वो लोग शक्तिशाली थे। अब ये खड़े तो हो नहीं पाए इनके सामने, अब छोटे देश खड़े हो पाएंगे क्या, बड़े, बड़े के सामने छोटा कैसे टिक पाएगा। तो ये भी एक कारण था कि इनसे क्या लड़ा जाए, हम क्या करें, समुद्री मार्ग, हमें कहीं जाना है तो इनके रास्ते के बजाय हम ऐसा करते हैं, हम दूसरा ही रास्ता अपना लेते। तो ये प्रमुख कारण बने, किसके बने, तो ये सब कारण बने हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, तो समुद्री मार्ग से आ रहे हैं, ठीक है। अब समुद्री मार्ग से तो आ गए, बिल्कुल आ गए, तो सबसे पहले और क्या, जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेन और पुर्तगाल क्या थे, स्पेन और पुर्तगाल, बिल्कुल, अब हमें तो निकलना है, तो स्पेन और पुर्तगाल, एक को निकलना था पश्चिम, एक को निकलना था पूर्व, तो उन्होंने उत्तरी यूरोपीय लोगों द्वारा धन और पुरुषों की सहायता की, और जनज द्वारा जहाज़ों और तकनीकी ज्ञान से सहायता प्राप्त की। यानी कि इन्होंने क्या किया, लोगों की धन, इनके पास धन था तो इन्होंने लोगों की सहायता कर दी, किसकी, तो जेनोवा और वेनिस जैसे जो छोटे छोटे देश थे, उनके पास धन नहीं था तो उन्होंने वो कर दिया, और उनके पास क्या था, उनके पास ज्ञान था, कैसा ज्ञान, तो जहाज निर्माण का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, ये सब उनके पास ज्ञान था, तो वो उन्होंने ये किसने, तो पुर्तगालियों ने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, कौन सा, तकनीकी जहाज निर्माण का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और जब ये ज्ञान हो गया तो बिल्कुल, अब जब बोलते जब तैरना आ गया तो समुद्र में तो बिल्कुल अब जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो बस वैसे ही है उनको, तो ज्ञान प्राप्त हो गया, जहाज तकनीकी ज्ञान तो उनको हो गया। तो ये प्रमुख कारण बने किसके, तो ये ये जो आए हैं समुद्री मार्ग से। ये हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये क्यों इन्होंने समुद्री मार्ग को अपनाया था, कि भारत के लिए समुद्री मार्ग ही क्यों अपनाया गया, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, एक स्टोरी जैसा है। अब पुर्तगाली आ गए, पुर्तगाली में सबसे पहले आया कौन, तो सबसे पहले आया वास्को डिगामा। कौन आया, वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा कब आया, तो 1498 में आया भारत में,
17 मई 1498 को ये भारत में आया। अब भारत में जब ये आया तो इसकी मदद एक व्यापारी ने की, और उस व्यापारी का क्या नाम था, तो उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद उस व्यापारी का नाम था। एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डिगामा के आगमन के वक्त किस व्यापारी ने उसकी मदद की थी, तो अब्दुल मजीद ने उसकी मदद की। ठीक है, अब ये बात आती है कि 1498 में वो आया किस मार्ग से आया, तो केप ऑफ गुड होप, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अफ्रीका ये है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब वहाँ से आया तो सबसे पहले कहाँ पे आया, ये सबसे पहले ये आया है कैलिकट में आया, ये यहाँ से करके ये आया, ये आ गया यहाँ, ये कैलिकट में आ गया, ये कैलिकट में आया। तो कैलिकट में उस समय कैलिकट का शासक था जमोरिन, तो जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत किया गया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैलिकट में जब ये पहुंचा तो किस कौन से शासक ने वास्को डिगामा का स्वागत किया, तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। वास्को डिगामा रीच्ड कैलिकट वाया केप ऑफ गुड होप इन 1498 एंड वॉज वार्मली वेलकम बाय द जमोरिन हु वॉज द रूलर ऑफ कैलिकट। हो गया, आया, जाना, देखा, चला गया, कौन, वास्को डिगामा, आया, देखा, चला गया। ठीक, दोबारा कब आया, एग्जाम में पूछा जाता है कि दोबारा कब आया है वास्को डिगामा इंडिया में, दोबारा आया है 1502 में आया। पहली बार आया तो केवल कैलिकट में आया, अब ये जान गया कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है, यहाँ पे व्यापार का तो बहुत बढ़िया, यहाँ ये तो एक केंद्र बन सकता है। तो अब जब दोबारा आया तो वो उसने क्या किया कि कैलिकट में, जहाँ पे मैंने पूरा अंडर आपको हाईलाइट करके दिखाया था ना, पूरा ऐसे करके दिखाया था कैलिकट कोचिन कन्नूर, तो बस उसने क्या किया कि कैलिकट में, कोचिन में और कन्नूर में अपना व्यापारिक स्टेशन स्थापित कर दिया और वहां की किलेबंदी भी कर दी। बाई 1502 वास्को सेकेंड विजिट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेडिंग स्टेशंस एट कैलिकट, कोचिन एंड कन्नूर एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ द सेम। पोर्चुगल अनलाइक अदर ट्रेडर्स वॉन्टेड टू मोनोपोलाइज ट्रेड इन इंडिया, वो क्या चाहते थे, पुर्तगाली अन्य व्यापारियों की अपेक्षा वो क्या करना चाहते थे, तो व्यापार का एकाधिकार करना चाहते थे कि नहीं बस बिल्कुल हम ही बस रहेंगे अकेले, बाकी कोई नहीं रहना चाहिए, कौन, तो ये पुर्तगाली का ये सोच था कि वो क्या करना चाहते थे, मोनोपोलाइज करना चाहते थे। एक एक पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कि वो क्या करना चाहते थे, मोनोपोलाइज करना चाहते थे ट्रेड को इंडिया में, यानी कि एकाधिकार, व्यापार का एकाधिकार पुर्तगाली करना चाहते थे। फिर उसके बाद में और क्या बातें हुई, तो वो तो 1498 में आया, कौन, वास्को डिगामा 1498 में आया, वापस चला गया। अब बोलते हैं ना कि मैं ना वहाँ गया था, वहाँ ना ये सब चीज़ देख करके आया, तो ये महाशय कौन महाशय, तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, ये क्या किए कि वास्को डिगामा दोबारा आने से पहले ये पहले आ गए इंडिया में, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल ये पहले ही आ गए इंडिया में, कब आ गए, तो 1500 में इंडिया में आ गए। अब 1500 में आ गए तो ये क्या किए, कैलिकट में आकर के, कैलिकट में वो तो आया था, कैलिकट ही देख करके गया था, तो ये महाशय भी कैलिकट में आ गए और अपना पहला कारखाना स्थापित कर दिया। क्या किया, पहला कारखाना स्थापित, एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री एट कैलिकट इन 1500। ठीक है, और दिस एम्बार्क्ड द एरा ऑफ यूरोपियन रूल ऑन इंडियन कॉन्टिनेंट, और उन्होंने जैसे स्थापित किया, वास्को डिगामा तो पहली बार केवल आया, ये तो आए और क्या किए, इन्होंने अपना पहला कारखाना भी स्थापित कर दिया और इसके माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप पर यूरोपीय शासन के युग की शुरुआत हुई इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद और कौन कौन आया, फिर तो अब जान गए, अब तो आएंगे ही। तो फ्रांसिस डी अल्मेडा जो कि क्या थे, तो पुर्तगाली गवर्नर थे, पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जो कि भारत में आए, पहले भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, कौन, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा। एग्जाम में आता है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन हुए, तो भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए फ्रांसिस डी अल्मेडा। कार्यकाल कितना है, तो 1505 से लेकर के 1509, ये कार्यकाल रहा है। तो ये फ्रांसिस डी अल्मेडा ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो फ्रांसिस डी अल्मेडा की नीति का नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति इन्होंने अपनाई थी। अभी नीले पानी की नीति क्या होती है, तो नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि हम क्या करें, हम समुद्र पर अपना आधिपत्य जमा लें, हम क्या करें, ये पूरा ये जो समुद्र है, ये पूरा समुद्र पे हम अपना आधिपत्य जमा लें,
समुद्र पर हम अपना आधिपत्य जमा लेंगे तो हम जमीन पर तो अपना आधिपत्य जमाए ही जैसे हैं। तो इनका ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी बोलता है कि भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय हम क्या करेंगे, तो समुद्र में हम शक्तिशाली होना, इनके इनका एक क्या था, एक नीति थी इनकी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को कार्टेज सिस्टम भी बोलते हैं, कार्टेज सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आता है। ये कार्टेज प्रणाली क्या होती है? तो कार्टेज प्रणाली में क्या होता है कि पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया है, तो हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा नौसेना व्यापार लाइसेंस या पास जारी किया, उसे क्या बोलते हैं, कार्टेज प्रणाली। कार्टेज प्रणाली फर्स्ट यदि पूछा जाता है कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे भारत के, तो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे फ्रांसिस डी अल्मेडा। इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को अडॉप्ट किया। और ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है कि हम क्या बने, कि पावरफुल बने कहाँ पे, तो सिर्फ सी में बन जाए, इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग फोर्ट्रेस यानी कि किले बनाने की अपेक्षा हम अब समुद्र में ही ताकतवर बन जाए, समुद्र में ही हम शक्तिशाली बन जाए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी बोलती है। और इसी के अंतर्गत आता है कार्टेज सिस्टम। और कार्टेज सिस्टम क्या है, तो नेवल ट्रेड लाइसेंस और वैकेंसी पास है जो कि इशू किया जाता था पोर्चुगीज के द्वारा, कहाँ पे, तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में पुर्तगाली द्वारा जारी ये नौसेना व्यापार लाइसेंस, या हम बोल सकते हैं कि एक ये पास है, एग्जाम में आता है कि कार्टेज प्रणाली क्या है, तो कार्टेज प्रणाली नौसेना व्यापार लाइसेंस या पास है जो कि हिंद महासागर के लिए पुर्तगालियों द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, आगे देखिए हम लोग, आगे नेक्स्ट कौन आया, तो नेक्स्ट आया है अल्फांसो डी अल्बुर्की। कौन? अल्फांसो डी अल्बुर्क, जिसका कार्यकाल कितना रहा, तो 1509 से लेकर के 1515 रहा। याद आपको करते हुए चलना है कि फ्रांसिस डी अल्मेडा आया, फिर उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुर्क आया। अल्फांसो डी अल्बुर्क इसका कितना था, तो 1505 से लेकर के 1509, और इसका कितना है, तो 1509 से लेकर के 1515। अब ये क्या किया कि बीजापुर से गोवा पर कब्जा कर लिया, यानी कि बीजापुर से इसने क्या किया, बीजापुर से इसने गोवा को छीन लिया, कब्जा कर लिया। किसके और किससे जीता, तो 1510 में, ध्यान से सुनिए है ना, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से, यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो डी अल्बुर्क ने गोवा को जीत लिया। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से 1510 में अल्फांसो डी अल्बुर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया, जीत लिया। ठीक है, और क्या था, और इसका और क्या था, ये क्या बोला जाता है, तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का यह संस्थापक माना जाता है। तो उसके कारण क्या है, कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। कारण क्या है कि पहली बात तो इसने तो गोवा पर कैप्चर कर लिया, गोवा को कैप्चर कर लिया किससे, तो बीजापुर में भी किससे छीना, तो यूसुफ आदिल शाह से छीना। कब छीना, तो 1510 में छीना, बिल्कुल छीन लिए। और प्रोसिक्यूटेड मुस्लिम्स यानी कि मुसलमानों को सताया करता था। क्यों सताया करता था, इसलिए सताया करता था कि क्योंकि अरब और पुर्तगालियों की नहीं बनती थी। मैंने आपको क्या बताया कि उनसे लड़ने के बजाय इन्होंने सोचा कि हम चले जाते हैं, हम लंबे रास्ते से, इनसे नहीं लड़ेंगे हम, तो इनकी पटती नहीं थी किसकी, मुसलमानों की यानी कि अरब देश की और पुर्तगाल की, तो इसीलिए इन्होंने मुसलमानों को सताया। ठीक है, और इसने क्या किया कि 1510 में भटकल पर भी कब्जा कर लिया, अब ये भटकल पर कब्जा किससे किया, यानी कि किसका था, तो छीन लिया, तो विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से छीना गया। विजयनगर के श्री कृष्ण देव राय से भटकल पर कब्जा किया गया, किसके, कौन किया, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क ने किया। कब किया, तो 1510 में किया, कैप्चर्ड भटकल फ्रॉम श्री कृष्ण देव राय 1510 ऑफ विजयनगर, विजयनगर के कृष्णदेव राय से 1510 से भटकल पर कब्जा कर लिया। ठीक, इसी कारण से इसे पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। और क्या है, तो इसने एक नीति अपनाई, और वो नीति की शुरुआत क्या थी, हम ऐसा करते कि भारत के मूल निवासियों के साथ में हम विवाह का संबंध स्थापित कर लेते, यानी कि यदि एग्जाम में आता है कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने विवाह की नीति अपनाई थी, तो विवाह की नीति अपनाने वाला कौन सा, तो अल्फांसो डी अल्बुर्क था, अल्फांसो डी अल्बुर्क। फिर क्या किया इसने, इसके जो क्षेत्र थे वहाँ पे इसने सती प्रथा को भी क्या कर दिया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। एग्जाम में आता है ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसने अपने क्षेत्राधिकार पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला अल्फांसो डी अल्बुर्क था। इसने पूरे भारत में नहीं बंद किया बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया था।
और क्या है कि मैंने क्या बताया कि इसका कार्यकाल क्या है अल्फांसो डी अल्बुर्क का, तो 1509 से लेकर के 1515 है, 1515 है, तो 1515 में इसकी मृत्यु हो गई। और केवल ये इसकी मृत्यु हुई बस नहीं, बल्कि ये जब भारत को छोड़ कर के गए तो एक भारत को क्या बना के गया है, तो पोर्चुगीज, लीविंग पोर्चुगीज एज स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर इन इंडिया, भारत को नहीं मतलब भारत में पुर्तगालियों को क्या बना दिया, तो एक स्ट्रॉन्ग नेवल पावर के रूप में पुर्तगालियों को छोड़ कर के गया। क्या छोड़ कर गया, तो सबसे मजबूत नौसेना शक्ति के रूप में ये पुर्तगाल को छोड़ कर के गया था भारत में, एक मजबूत नौसेना की शक्ति, क्यों, क्योंकि ये सीख करके सब कुछ आए थे। समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखिए हम लोग, आगे और क्या बताया गया है कि उसके बाद कौन आया, तो नीनो द कुन्हा, नीनो द कुन्हा का कार्यकाल कितना रहा, तो 1529 से लेकर के 38 तक का है। अब मैंने आपको क्या बताया कि बीजापुर से अल्फांसो डी अल्बुर्क ने बीजापुर से 1510 में गोवा को क्या कर लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया। अब गोवा पर कब्जा बस किया बस गया था, लेकिन इसे राजधानी घोषित नहीं किया। और फिर उसके बाद 1530 में नीनो दा कुन्हा ने 1530 में जो कोचीन में जो पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो वहां से स्थानांतरित गोवा कर दी गई। कब, तो 1530 में स्थानांतरित कर दी गई है राजधानी पुर्तगालियों की। और उसके बाद से क्या हुआ, तो उसके बाद से पुर्तगाली बस्तियों की, यह एक गोवा भारत में पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी बन गई है। साथ में उसी क्रम में क्या किया गया, नीनो दा कुन्हा, क्यों, क्योंकि ये सब कैप्चर कर रहे थे, है ना, हमने क्या देखा है कि किस तरीके से यूरोपियों का आगमन हुआ है भारत में, तो अभी कैप्चर कर रहे हैं। अब जब ये कैप्चर कर रहे हैं तो उसके शासन में दीव, जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था गुजरात के पास में जो पड़ता है दमन एंड दीव, जो कि आप लोग जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश है, तो दमन और दीव में, तो दीव और बसीन में गुजरात के राजा बहादुर शाह के पुर्तगाली कब्जे में आ गए। क्या है कि दीव और बसीन क्या हुए, तो दीव और बसीन में पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए। किससे ले लिया गया, तो राजा बहादुर शाह से। किससे, तो बहादुर शाह से लिया गया क्या, दीव और बसीन। इन हिज रूल किसके, नीनो दा कुन्हा, दीव एंड बसीन केम अंडर द पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन फ्रॉम गुजरात किंग बहादुर शाह के पुर्तगाली कब्जे में आ गए। यानी कि गुजरात, दीव और बसीन गुजरात के राजा बहादुर शाह के पुर्तगाली कब्जे में आ गए। इसका क्या मतलब होता है कि दीव और बसीन जो कि पहले किसके अंदर में थे, तो गुजरात के राजा बहादुर शाह के अंदर में थे, तो वो धीरे धीरे किसके अंडर में आ गए, नीनो दा कुन्हा, या फिर हम बोल सकते हैं पुर्तगालियों के कब्जे में आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है और क्या किया गया, तो बहादुर शाह से तो ले लिया गया दीव और किसको, बसीन को। फिर उसके बाद लेकिन अब बातचीत होने लगी कि ऐसा करो दे दो, ठीक, तो बस वो दे दो वाली जब बात आती है, तो 1537 में बहादुर शाह की हत्या कर दी गई पुर्तगालियों के द्वारा। इसी बातचीत के दौरान में 1537 में पुर्तगालियों द्वारा बहादुर शाह की हत्या कर दी गई है। ठीक है, और ये बताया जाता है कि नीनो दा कुन्हा जो है एक बहुत ही प्रैग्मेटिक लीडर था, जो कि एक्सपेंशन की रणनीति अपनाया था, एक्सपेंशन विस्तारीकरण की नीति को अपनाया था, और विस्तार करना है हमें तो विस्तार करते करते पहले ये कहाँ पे थे, तो पहले ये केवल पश्चिमी तट पर थे, और जब विस्तार की बात आती है तो धीरे धीरे फैलते फैलते ये पूर्वी तट पर भी पहुँच गए। कहाँ पहुँचे, पूर्वी तट पर भी पहुँच गए। नीनो दा कुन्हा ने कौन सी नीति अपनाई, तो विस्तार की नीति अपनाई थी। क्या लिखा, व्यवहारिक नेता जिन्होंने पश्चिमी तट क्षेत्र से परे क्षेत्र का विस्तार किया, उसके समय में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार पूर्वी तट पर हुआ। पुर्तगाली शक्ति का विस्तार कहाँ तक हुआ, तो पूर्वी तट पर हो गया नीनो दा कुन्हा। अब बात आती है इन्होंने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई थी, तो धार्मिक नीति इन्होंने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अरब से नहीं पटती थी, तो मुसलमानों के खिलाफ ही क्या करते, तो विरोध जताते थे। फिर बाद में क्या हुआ, पहले तो केवल मुसलमानों के प्रति जता रहे थे, बाद में हिंदुओं के प्रति भी जताने लगे, तो पहला ये पुर्तगालियों की धार्मिक नीति रही है। फिर उसके बाद में इनका एक उद्देश्य रहा है कि हमें क्या करना है, कि क्रिश्चियन धर्मांतरण बहुत तेजी से ये करवाना चाहते थे, या फिर करते भी थे धर्मांतरण। तो धर्मांतरण के क्रम में बात आती है कि 1579 में ये क्या किए कि 1579 में सम्राट अकबर को ईसाई बनाने के लिए मिशनरियों को भेजा गया था। एग्जाम में आता है कि अकबर को ईसाई बनाने के लिए
किस वर्ष भेजा गया? तो अकबर को ईसाई बनाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरियों को 1579 को भेजा गया था, 1579 को भेजा गया था, याद रहेगा आप लोगों को। इन 1579 मिशनरीज वेयर सेंट टू कन्वर्ट द एम्परर अकबर टू क्रिश्चियनिटी। आप ऐसा करो कि आप जो है अकबर को, ये पुर्तगाली लोगों का क्या था कि क्या करो कि आप ऐसा करो कि क्या बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, धर्मांतरण की नीति अपनाए थे। अब जब धर्मांतरण की नीति अपनाए थे तो यहाँ से आपको ये समझना है कि ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बनता है कि धर्मांतरण की नीति पुर्तगालियों के द्वारा, स्टेटमेंट दे देता है कि अब धर्मांतरण की नीति पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। तो बिल्कुल धर्मांतरण की नीति पुर्तगालियों के द्वारा अपनाई गई थी। पूछा जाता है सम्राट अकबर को किस वर्ष में ईसाई धर्म अपनाने के लिए इसे मजबूर किया गया था या फिर भेजा गया था, किसको, मिशनरियों को भेजा गया था किस वर्ष? तो 1579 में भेजा गया था। 1579 में किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा भेजा गया था, याद रहेगा आप लोगों को। आगे देखिए, आगे क्या बात आती है कि ऐसे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं पुर्तगालियों के पतन की। इतना हमने देख लिया कि आए हैं बहुत अच्छे से, लेकिन हम ये जानते हैं, हम यदि स्कूल में पढ़े तो हम बिल्कुल जानते हैं कि पुर्तगालियों का फिर पतन भी हो गया। और पुर्तगालियों के पतन का कारण क्या बना? तो पुर्तगालियों के पतन का कारण बना कि इजिप्ट पर्शिया जैसे लोग, इजिप्ट पर्शिया और नॉर्थ इंडिया में, हमारे इजिप्ट पर्शिया और साथ में नॉर्थ इंडिया में बहुत शक्तिशाली राजवंशों का उद्भव होने लगा। साथ में मराठा भी नेवस में, पड़ोस में अपीयर करने लगे, यानी कि उपस्थित होने लगे, यानी कि मराठों का भी उद्भव हुआ, साथ में इजिप्ट पर्शिया जैसे देशों का उद्भव हुआ, और फिर बहुत सारे प्रमुख राजवंशों का उदय भी कब हुआ था, होना स्टार्ट हो गया था, बहुत सारे राजवंशों का उदय होना स्टार्ट हो गया था। तो ये पहला कारण बना, क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि हमेशा इनके पतन का कारण क्या बनेगा, अंग्रेजों के पतन का कारण क्या बनेगा, अंग्रेज, जैसे कि हमने पढ़ा है, अंग्रेज का पतन का कारण बना कि हम यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि वो जान गए कि अब हम यदि जाएंगे नहीं तो यहाँ पे हम आगे रूल कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ की जनता जग गई है। तो बस वही है, तो उस समय जनता नहीं जगी थी, राजवंशों का उदय हुआ था, जैसे कि मिस्र, फारस, पर्शिया और उत्तर भारत के शक्तिशाली राजवंशों का उदय, साथ में पड़ोस में मराठों की उपस्थिति, ये कारण बना। फिर उसके बाद में आता है ईसाई मशीनरों की गतिविधि। अब जब इतने एकदम प्रमुख, एकदम बहुत बड़े पैमाने में यदि धर्मांतरण होने लगेगा तो पुर्तगालियों का यह क्या है, तो एक प्रकार का पुर्तगालियों का यह आध्यात्मिक दबाव है जिसके खिलाफ तो प्रतिक्रिया बिल्कुल होगी। अब जब प्रतिक्रिया हुई तो तुम्हारा पतन हो गया, ये भी कारण बना, ठीक है। एक्टिविटीज ऑफ जेसुइट मिशनरीज एंड हेट्रेड ऑफ परसिक्यूशन सच एज इंक्विजिशन दैट कॉज्ड रिएक्शन अगेंस्ट पोर्टुगीज स्पिरिचुअल प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है और क्या कारण बना, तो पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती देने वाले अंग्रेजी और डच व्यवसायिक महत्वाकांक्षों का उदय हुआ। यानी कि ये क्या केवल चाहते थे, ये केवल एकाधिकार चाहते थे व्यापार में, लेकिन बोलते हैं ना कि एक जन तो मार्केट देख करके आ गए, कि जैसे कि यदि कोई कुछ, अक्सर महिलाएं क्या बातें करती हैं, तो महिलाओं के बीच की बहुत एक फेमस बात होती है, यदि वो कोई साड़ी लेकर के आएंगी, कोई गहने लेकर के आएंगी, तो बात होती है कि मैं ना यहाँ से लेकर के आई हूँ। यदि कोई डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है किसी आंटी को तो वो भी जाएंगी, तो वो भी वहाँ से लेकर के आ जाएंगी, वो भी वहाँ से लेकर के आ जाएंगी। तो बस बात इनके साथ भी यही हुई। तो ये देख रहे थे उस समय वहाँ पे, वहाँ के लोग देखे, अरे ये तो इंडिया जा रहे हैं, इतने और अमीर होते जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। तो उनके पीछे पीछे अंग्रेजी, डच जैसे व्यावसायिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ, और जो कि कारण क्या बन गया, पुर्तगालियों के पतन का एक कारण बन गया। राइस ऑफ द इंग्लिश डच कमर्शियल एम्बिशन चैलेंजिंग द पोर्चुगीज सुप्रीमेसी। फिर क्या था, अब जब इतने अमीर हैं, इन आर्थिक बहुत स्ट्रांग, बहुत ही जल्दी बढ़ रही थी, इनका आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा था, तो साथ में भ्रष्टाचार, करप्शन, लालच, ग्रीड, सेल्फिशनेस, केवल स्वभाव, अपने बारे में सोचना, ठीक है, स्वार्थ का भाव, साथ में चोरी, यानी कि गुप्त व्यापार प्रथाएं, चोरी, इस तरह की घटनाएं भी कारण बनी है पुर्तगालियों के प्रशासन के दमन का, पुर्तगालियों के प्रशासन या फिर हम बोल सकते हैं पुर्तगाली प्रशासन के डिक्लाइन का फैक्टर्स बने हैं ये लोग,
ठीक है, क्या रैम्पेंट करप्शन, ग्रीड, सेल्फिशनेस अलोंग विद द पायरेसी एंड क्लैंडेस्टाइन ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में पुर्तगाली प्रशासन की चोरी और गुप्त व्यापार प्रथाओं के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, लालच और स्वार्थ, ये भी कारण बने किसके, तो पुर्तगालियों के दमन का। ये मुख्य कारण हमने देखा है किसका, तो पुर्तगालियों का। और साथ में और क्या हुआ, तो साथ में ब्राजील की खोज कर ली गई। अब ब्राजील की खोज कर ली गई, अब नॉर्थ अमेरिका वहाँ से पास है, अब यहाँ इस यहाँ पे ब्राज़ील की खोज कर ली गई। यहाँ से अब ब्राज़ील की खोज कर ली गई तो इतना दूर कौन जाएगा, अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप को छोड़कर, केप ऑफ गुड होप से अब पार करके जाना है, ऐसा करते हैं कि अब ब्राज़ील में ही जाते हैं। तो ये भी एक कारण बन गया कि पुर्तगालियों के भारत से निकाशन का, और या फिर हम बोल सकते हैं कि भारत में पतन का, पुर्तगालियों के पतन का। अब एक जो प्रमुख, सबसे प्रमुख बात है यहाँ पे क्या लिखा है, डाइवर्जन ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनाइजिंग एम्बिशंस टूवर्ड्स वेस्ट ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील, ठीक है। और उसके बाद में एक जो प्रमुख बात है जो कि हमें याद करने की है, उससे पहले हम इनका महत्व देख लेते हैं कि हमने तो सब देख लिया, लेकिन पुर्तगाली तो भारत में थे, तो कुछ इन्होंने कुछ अच्छा भी किया है भारत के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये केवल, जब पुर्तगाली भारत में आए तो यह न केवल यूरोपीय युग की शुरुआत थी, बल्कि क्या था, तो बल्कि नौ सैनिक शक्ति के उद्भव को भी चिन्हित करता है। पुर्तगालियों का रहना भारत में नौ सैनिक शक्ति के उद्भव को चिन्हित करता है, ठीक है। पोर्चुगीज नॉट ओनली इनिशिएटेड व्हाट माइट बी कॉल्ड यूरोपियन एरा, इट मार्क द एमर्जेंस ऑफ द नेवल पावर, इंट्रोडक्शन ऑफ द कैनन ऑन शिप, जहाज पर तोपों का परिचय, ये भी किसकी देन है, तो ये भी पुर्तगालियों की देन है, ठीक, क्योंकि वो सीख करके आए थे, जहाज तकनीकी सब सीख करके आए थे। फिर क्या था, तो पुर्तगाली समुद्र में उन्नत तकनीकों के उस्ताद थे, और उनके मल्टी डेक्स जहाजों का भारी निर्माण किया गया था। क्या थे ये, तो उस्ताद थे, तो किसमें, समुद्र में उन्नत तकनीकों के उस्ताद थे ये लोग। द पोर्चुगीज वर मास्टर्स ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निक्स एट सी, देयर मल्टी डेक शिप्स वर हेवली कंस्ट्रक्टेड। और क्या बताया जा रहा है कि मशीनरीज and the church were also teachers and patrons in India of the arts of the painter, carver, sculptor. क्या बताया गया है कि और क्या significance रहा, और क्या महत्व रहा, तो जैसे कि machinery और church, ये सब जो लोग आते थे church के लोग, Christian missionaries जैसे हम बोल सकते हैं, तो जब ये आते थे तो ये तो ठीक है आए हैं, और जो भी इनके महत्वाकांक्षा है वो तो ठीक है, उसके अलावा क्या थे, तो ये ना चित्रकारी हो गया, नक्काशी हो गया, मूर्तिकला, तो ये सब अनेक प्रकार के गुणों में ये दक्ष थे पुर्तगाली, तो ये भी इनकी एक देन है, चित्रकारी, नक्काशी, मूर्तिकला, ठीक है। तो ये, और उसके बाद क्या है, तो संगठन में पुर्तगाली कौशल, यानी कि पोर्चुगीज स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जैसे कि शाही शास्त्रागार और डाक मंदिर, जैसे कि बंदरगाह होंगे, के निर्माण और पायलटों की एक नियमित प्रणाली के रखरखाव, और निजी व्यापारी शिपिंग के खिलाफ राज्य बलों को की मैपिंग और भी अधिक उल्लेखनीय है। क्या बताया गया है, द पोर्चुगीज स्किल एट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन में इनकी बहुत अच्छी कार्यकुशलता थी, बहुत अच्छा इनके पास कौशल था, ठीक है। और एज इन द क्रिएशन ऑफ द रॉयल आर्सेनल्स एंड डॉकयार्ड एंड द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ पायलट्स एंड मैपिंग ऑफ पिटिंग स्टेट सर्विस अगेंस्ट प्राइवेट मर्चेंट शिपिंग वॉज इवन मोर नोटवर्दी, अधिक उल्लेखनीय है, और भी अधिक उल्लेखनीय है, क्या, तो इनके संगठन के कौशल, पुर्तगालियों के संगठन के कौशल अधिक उल्लेखनीय है, ठीक है। तो ये कुछ महत्व रहे हैं, किसके रहे हैं, तो पुर्तगालियों के। और साथ में और भी क्या महत्व रहे, तो युद्ध की यूरोपीय कला का परिचय, यानी कि हम इंडिया में तो आ गए हैं लेकिन हैं कहाँ के, तो यूरोप के हैं, तो यूरोप की युद्ध कला का ये परिचय देते आए हैं। और क्या है, इंट्रोड्यूस यूरोपियन आर्ट ऑफ वारफेयर, ठीक है, यूरोपीय कला का परिचय, युद्ध की यूरोपीय, क्यों, कहाँ से आए, वहीं से तो आए हैं, तो बिल्कुल देंगे, हम तो सिक्के आए हैं, जैसे कि बोला जाता है ना कि क्या सिक्के आए हो अपने घर से, क्या सिक्के, क्या आता है तुमको, तो बस वही वाली बात है, क्या आता है, तो ये क्या, यूरोपीय कला का परिचय इन्होंने दिया जब भी कहीं पे जरूरत पड़ी। और क्या है, द आर्ट ऑफ सिल्वर स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ फ्लरिश्ड एट गोवा, तो गोवा में क्या था, सुनार की कला गोवा में फली फूली, ठीक है। तो ये कुछ महत्व रहे हैं किसके, तो पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों के बारे में, पुर्तगालियों के विषय में कहा जाता है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले भारत में आए, फर्स्ट वन टू अराइव टू इंडिया एंड वर द लास्ट वन टू लीव इंडिया, सबसे पहले आए और सबसे अंतिम में इन्होंने भारत को छोड़ा, किसने, तो पुर्तगालियों ने सबसे अंतिम में भारत को छोड़ा, और सबसे पहले ये भारत में आए थे,
तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में डच को पढ़ेंगे, नीदरलैंड को पढ़ेंगे। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन ये एक स्टोरी है, एक बार आप स्टोरी समझ लोगे और ये जो मेन मोइन पॉइंट्स है ये केवल और केवल एग्जाम रेलेवेंट पॉइंट है। आपको क्या करना है, आपको बस आपको दे दिया गया है, आपको केवल पढ़ने का काम करना है। और डेफिनेटली जो पूरे पिछले साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद ये पूरा क्रिस्प नोट्स बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम पूरा जैसे कि सीजी व्यापम के द्वारा जो आयोजित रहते हैं एग्ज़ाम, एवं जो सीजीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, तो उन दोनों ही एग्ज़ाम को हम कैटर कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और उस और पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के यदि हम ट्रेंड को देखें तो इस तरीके के प्रश्न जो जो मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट करके बता दिया, तो इनमें से ही प्रश्न पूछे गए, अधिकतर सभी प्रश्न इसी के में से आए हैं। तो बिल्कुल चाहे वो हम यूपीएससी की बात करें, चाहे एसएससी या फिर कहीं पे भी जहाँ पे हमें इंडिया जीएस मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना रहता है, तो ये सभी इस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।